स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। दो कदम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। तो देखिए लगातार बात कर रहे हैं हम किरोड़ीलाल मीणा के आंदोलन की। आंदोलन का आज है 12वां दिन। पेपर लीक प्रकरण में मांग की जा रही मीणा की ओर से सीबीआई जांच करवाई जाए, इससे कम में नहीं मानी जाएगी बात। और तस्वीरें भी लगातार दर्शकों के साथ हम साझा कर रहे हैं और हमारे सहयोगी ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं, जो कि पल पल की अपडेट इस वक्त दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। दामोदर का मेरे को करना चाहूंगी, जो कि इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। दामोदर, जरा अपडेट बताइए, आंदोलन से जुड़ा हुआ अपडेट क्या है, क्योंकि लगातार आंदोलन मीणा का जारी है और हमने देखा था कि पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे थे बातचीत करने के लिए, और अब ये जानकारी मिल रही है कि राजेंद्र यादव से उनकी बातचीत होने वाली है। देखिए, जो गृह राज्य मंत्री है राजेंद्र यादव से शाम 5 बजे वार्ता की बात बताई जा रही है। पुलिस कमिश्नर से जो वार्ता हुई है वो वार्ता विफल रही है। उसके बाद क्योंकि 12 दिन से जो सांसद किरोड़ीलाल मीणा है वो धरने पर बैठे हैं पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच को लेकर, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक इस तरीके की पहल नहीं हो पाई, जिसके कारण आज जो सांसद किरोड़ीलाल मीणा को शहीद स्मारक जयपुर कूच करना पड़ा है। तो हमारे साथ सांसद किरोड़ीलाल मीणा, उनसे ही बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर में क्यों सर, आखिर में आपको कूच करना क्यों पड़ा है? नहीं, कूच तो हमने उस दिन किया था 24 जनवरी को। 60-70 हज़ार बेरोजगार, वो बेरोजगार जिनको पेपर लीक में लूटा गया, ठगा गया, छलावा किया गया, उनको लेके आया था, लेकिन भारी पुलिस बल ने हमको विधानसभा घेराव के लिए जाने नहीं दिया, उल्टा पुलिस ने हमारा घेराव कर लिया। तो जब जनता ज्यादा परेशान, दामोदर ये सवाल करिए तो मीणा साहब से कि अभी पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव पहुंचे थे बातचीत करने के लिए, क्या कहा गया उनकी ओर से? तो बचने के बाद हमने वहीं धरना दे दिया था जहां रोका गया था। तो वहां सरकार के मंत्री पहुंचे थे, गृह राज्य मंत्री जी, उन्होंने कहा था आरोपियों के नाम बताओ, क्या क्या आरोप है वो लिख के दे दो। हमने लिख के दे दिया। 12 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज तो हम सरकार को ढूंढते ढूंढते सरकार से मिलने जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर से आपकी वार्ता हुई है, आखिर में क्या रहा उस वार्ता में, क्या सफल नहीं हुई या वार्ता सफल? हम वहाँ से चले घाट की गुणी में घुसते कि सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ है, तो पुलिस अफसरों ने कहा सरकार आ रही है। फिर हम वहाँ पर बैठ गए, फिर ये बताया गया कमिश्नर साहब के द्वारा कि सरकार वहाँ मिलेगी शहीद स्मारक पे, इसलिए वहाँ जा रहे हैं, सरकार है कि नहीं, सरकार से बात करेंगे। क्या जो कमिश्नर के साथ में क्या अभी भी कोई वार्ता होनी है आपके साथ में वहाँ से? आप बात होगी, सरकार मिल गई तो, सरकार नहीं मिली तो वहीं धरना देंगे। तो सरकार तो मिलने वाली है ना सतीश दामोदर, सरकार तो मिलने वाली है, पार्टी के नेता ही राजेंद्र यादव से मुलाकात होने वाली है, इनकी बातचीत होने वाली है। तो अगर जब पार्टी के नेता से बातचीत होगी तो क्या मीणा मान जाएंगे? सर जब वार्ता के लिए हो गया फिक्स की, राजेंद्र जो गृह राज्य मंत्री है राजेंद्र जी यादव जी, उनसे वार्ता होनी है तो सरकार तो मिल गई आपको? वैसे नहीं, कहाँ मिली अभी तक, नहीं मिली, यही तो बात है, मिल नहीं जा रहे हैं सरकार को। तो सरकार में कौन दामोदर, सरकार में कौन, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात तो नहीं कर रहे मीणा साहब यहाँ? सरकार क्या करना चाहती है, हमने जो लिख के दिया है कुछ पता लग जाए, करेगी कि नहीं करेगी, फिर आगे बात बढ़ेगी। तो सर सरकार को जिस तरीके से आप ढूंढने निकले हो तो क्या मुख्यमंत्री से वार्ता होगी? ना, हमारे तो उनसे सरकार आ जाए, सरकार में मुख्यमंत्री भी होता है, मंत्री भी होता है, डीजी भी होता है, चीफ सेक्रेटरी भी होता है, कमिश्नर भी होता है, सरकार मिल जाए हमको। तो मंत्री से सर जैसे वार्ता होने की बात है शाम 5 बजे? नहीं, अभी 3 बजे का समय दे दिया, प्रीपोन्ड कर दिया। तो सरकार मिल गई, इसका मतलब सरकार जल्दी आ रही है। अच्छा, सरकार जल्दी आ रही है, सरकार के कान खुल गए अभी। सर दूसरा सवाल ये था कि जैसा कि कहा जा रहा है कि सतीश पूनिया की ओर से समर्थन नहीं मिला, जैसा कि आपने कहा था कि जो युवा मोर्चा तो पहुंच गए थे मौके पर। अच्छा। लेकिन जिस आक्रामक तरीके से सतीश पूनिया की अगुवाई में इस पेपर लीक के मामले में प्रदर्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उसका मुझे दुख है, निराशा है। वजह क्या मानते पीछे की इसकी? नेता क्या अभी समर्थन साथ में है? सबका है, पूरे का। अभी तो ज्यादातर नेता प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, दिल्ली मुंबई सबसे बड़ा देश का सड़क निकल रही है उसका लोकार्पण कर रहे हैं, उसमें व्यस्त हैं। कल मैं भी दिन भर उसी में रहा था और मैं भी उसी में लग जाऊंगा। फिर 12 तारीख के बाद लाखों लोगों को लेकर मैं जयपुर में घुसूंगा, ऐसे हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ऐसे 67 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है,
वो खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सर आपने कहा कि जिस तरीके से जो आक्रामक रूप से धरना प्रदर्शन होना चाहिए था सतीश पूनिया की ओर से, युवा मोर्चा की ओर से, आखिर क्या कारण रहा जो नहीं हो पाया? तो आप उन्हीं से पूछे, मैं क्या कारण बताऊं। चलिए ठीक है दामोदर, नजर आप बनाए रखिएगा। दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब होगी राजेंद्र यादव से किरोड़ीलाल मीणा की वार्ता। वार्ता के बाद क्या तस्वीर बनेगी, क्या बात से बात बन जाएगी, जो कि सवाल लगातार मैं पूछ रही हूँ। नजर आप बनाए रखिएगा दामोदर, फिलहाल बहुत